नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं अधिकतर वीडियो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड बनाते रहता हूँ। हो सकता है आने वाले समय में मतलब यूट्यूब ग्रो के बारे में भी कुछ टिप्स एंड मतलब टिप्स बताऊँ जिससे मतलब आपको कुछ मतलब लाभ मिल सके। लेकिन अभी फिलहाल मेरा फोकस केवल मोनेटाइजेशन से ऊपर है, क्योंकि मोनेटाइजेशन आज के समय में काफ़ी लोगों की मतलब प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है और वो मतलब लगातार वीडियो अपलोड करते चले जाते हैं लेकिन उनको काफ़ी चीज़ें पता नहीं चलती है। तो मैं अपने चैनल के ऊपर हमेशा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और लोगों की जो मतलब जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर के मतलब डॉक्टर के पास रोज नई नई प्रॉब्लम आती है तो उसे मालूम चलता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ भाई एक नई प्रॉब्लम आई है, अब इस प्रॉब्लम को इस चीज़ के अंदर ऐड कर दिया जाए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसका इलाज क्या है। तो मैं जैसे मान लीजिए मैं मोनेटाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो मोनेटाइजेशन से मतलब जो भी है इसके ऊपर काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। एक बार देखा जाए तो अगर आप अपना चैनल को मतलब मुझे लिंक अगर भेज देते हैं, वैसे मतलब काफ़ी लोग मैं चैनल चेक कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, चेक करता हूँ और उनके चैनल को मतलब देखते ही मालूम चल जाता है कि हाँ चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या फिर नहीं होगा या फिर अंडर रिव्यू में पड़ा रहेगा। तो एक प्रकार से ये एक्सपीरियंस हुआ लगभग, मतलब उतना तो मैं नहीं कह सकता बट होता है ना कि यार मतलब फिर भी मन में मतलब एक कन्फ्यूजन होता है कि यार कोई हमारा चैनल देख लेता पता कर लेता कि चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा, तो एक मन को शांति मिल जाती है कि हाँ भाई चैनल मोनेटाइज होगा अगर बस सामने वाला बंदा बोलता है या फिर बता देता है कि भाई चैनल के अंदर ये प्रॉब्लम है इसको सुधार करो। तो मैं काफ़ी लोगों को ऐसे हेल्प करता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए मैंने अपने वीडियो के अंदर मतलब व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं जिसे आप व्हाट्सएप पर मतलब पर्सनल रूप से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये भी मोनेटाइजेशन रिलेटेड है कि इसके अंदर आपको एक वर्ड है जो टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग, अगर इसके अंदर आप अगर यूज करते हैं तो हो सकता है आपका चैनल मतलब अंडर व्यू पड़ा रहे हैं, मोनेटाइज होकर नहीं आया। मतलब काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ और जो लोग इस चीज़ को सुधार कर रहे हैं तो उनका मोनेटाइजेशन हो जाता है। मतलब मैं वही बात बताता हूँ जो मतलब मैंने प्रैक्टिकली कर रखी है और उस चीज़ को मतलब देख रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम और उसको सॉल्यूशन देता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी जानना है वो वर्ड कौन सा है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों मैं हूं सुप्रकाश चौबे और आप देख मेरे चैनल जिज्ञासा सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाए गए यूट्यूब से वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं अपने चैनल के ऊपर हमेशा आपको बता दूं यूट्यूब से रिलेटेड बातें कर सकता हूं या फिर टेक रिलेटेड बातें करता हूं जिससे आपको कुछ नॉलेज मिल सके और कभी कभी हो सकता है मैं कुछ फनी बातें भी बता देता हूं जिससे आपको कुछ मनोरंजन भी हो सके। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पर्सनल रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने थंबनेल में दिखाया था कि आज की जो वीडियो है मतलब अगर आप एक वर्ड यूज करते हैं तो आपका जो चैनल है अंडर व्यू में पड़ा रहेगा, यानी कि मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। तो आपको आप सोच रहे हैं यार ऐसा कौन सा वर्ड है, क्या करें, मतलब ऐसा क्या हो गया। सीधी सी बात है और एक सिंपल सी बात यह है कि हर इंसान का जो चैनल होता है मोनेटाइजेशन के लिए जाता है और उसके मन में यही होता है कि उसका चैनल अब मोनेटाइज होकर आ जाएगा। बट कुछ गलतियां होती जो YouTube उनके मतलब एक एल्गोरिथम होता है ना वो मतलब डिफॉल्ट सेट करके रखते हैं कि भैया अगर इसका चैनल अगर मान लीजिए वो सारे वीडियो का रिव्यू तो करेंगे नहीं, मतलब सारे वीडियो को मतलब देखेंगे नहीं रिव्यू में जाता है तो कुछ उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, मान लो उस वीडियो को उस सॉफ्टवेयर में डाला तो उनके अंदर सेट क्या होता है कि भाई ये जो वर्ड अगर आ गया इस वीडियो के अंदर या डिस्क्रिप्शन या टाइटल टैग के अंदर तो हम सीधी बात है हम इस चैनल के ऊपर शक करेंगे। तो वो वर्ड ये है, वो है ट्रिक वर्ड। आपको एक बात बता दूं कि टिप्स और एक ट्रिक होता है। तो टिप्स का अर्थ ये होता है कि आप किस चीज को गाइड कर रहे हैं। तो मैं अभी जो यहां पे दे रहा हूं तो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड टिप्स दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन ट्रिक का अर्थ होता है ये शॉर्टकट तरीके, मतलब आप इस ट्रिक को अपनाओ तो ये हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये स्कैम है यूट्यूब की नजर में, मतलब जहां तक यूट्यूब ने मुझे कहा नहीं है कि स्कैम है बट आप एक बार खुद सोच के देखिए ट्रिक और टिप्स में कितना फर्क है। तो कई बार मैंने देखा है चैनल के ऊपर अगर डिस्कशन में टाइटल में अगर आप इस वर्ड को यूज करते हैं तो हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइज होकर नहीं आए, अंडर रिव्यू में पड़ा रहे। तो आपका भी अगर चैनल डिस्कशन में टैग में या फिर क्या कहते हैं टाइटल में ट्रिक वर्ड यूज करते हो तो हो सकता है उसको आप टिप्स में बदल दो अभी भी। अब आप कह रहे होंगे कि यार ऐसा तो खूब चैनल है जिनको मोनेटाइजेशन इनेबल देखे हैं वो ट्रिक शब्द यूज करते हैं। तो भैया अब तो मेरी बात ये मान लो कि अब कुछ जनरेशन है यूट्यूब की अब चेंज हो चुकी है, कुछ नियम और कानून को भी चेंज होते रहते हैं और आप जो कह रहे हो ना जैसे आप सोच रहे होगे कि ट्रिक वर्ड यूज कर लेते हैं लोग तो मोनेटाइजेशन के बाद यूज करते हैं। मोनेटाइजेशन से पहले आपको बस इतना सोचना है कि मेरा चैनल का एक इंटरव्यू हो रहा है, उस इंटरव्यू में मैं थोड़ी भी तनिक भी गलती नहीं करूं और मेरा चैनल जो है मोनेटाइज होके आ जाए।
उसके बाद अगर आप छोटी मोटी गलतियां करते हो तो YouTube को उतना ध्यान नहीं पड़ता है। फिर भी अगर जो उसके गाइडलाइन होती है वो गाइडलाइन पूरा सेक्सुअली जो मतलब चीज़ें होती है उसको यूज करते हो या फिर कुछ चाइल्ड मतलब जिसे चाइल्ड हरसमेंट मतलब छोटे बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित या फिर ऐसी चीज़ें जो मतलब जैसे कुछ गलत चीज़ बताते हो वो गलत है, उसको YouTube फटाफट पकड़ लेगा। लेकिन कुछ चीज़ें छोटी मोटी होती है वो चीज़ें मोनेटाइजेशन के बाद आपका ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक प्रकार से मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि रियल कुल सब यूट्यूब टीम मुझे बता ही देती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आप अपने मतलब जो वीडियो है मोनेटाइजेशन से पहले अपने चैनल को कुछ फालतू की गलतियाँ तो करनी नहीं है अपन को, उससे पहले अपने चैनल को एकदम मस्त एकदम अच्छा बना के रखना है कि कुछ गलत नहीं है। हो सकता है टाइम लगेगा, ठीक है, आप ऐसे कुछ बदलाव करते रहते हो तो टाइम लग जाता है, लेकिन चैनल मोनेटाइज होके जरूर आता है, ठीक है। तो आपको ये छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी है। आप भी अगर अभी वापस बता दूं ट्रिक शब्द अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में कहीं यूज कर रहे हो तो हो सकता है उसको मतलब मोनेटाइज होने से पहले उसको आप अभी हटा देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। काफी लोग मैंने बताया है, और एक और बंदा जिसको ऊपर मैंने बताया था कि वो 5 बार डिसअप्रूव हुआ था, मेरा एक वीडियो है मोनेटाइजेशन मोटिवेशन, ठीक है, उस वीडियो को देखिए, उसमें बताया था उनका चैनल का ही नाम था कि ट्रिक वर्ड इनको चैनल के अंदर यूज हो रहा था, उन्होंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया था। तो ये छोटी सी बात है, आप इसको अगर ध्यान रखते हैं तो क्या पता आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो इन बातों को आप मतलब फॉलो करना चाहिए। फिर भी अगर कोई वीडियो के माध्यम से कोई बात के अलग कन्फ्यूजन हो कि भैया आप जो बता रहे हो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे WhatsApp पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों की कन्फ्यूजन को कम कर सकूँ। और आपका मोनेटाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो बना रखी है मोनेटाइजेशन रिलेटेड वीडियो, उन वीडियो को देखेंगे तो आप अपने चैनल को बदलाव करते हैं तो हो सकता है चैनल मोनेटाइज होकर आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो नहीं पसंद है वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मोनेटाइजेशन रिलेटेड ही वीडियो बना रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कि नई प्रॉब्लम आती है तो नई प्रॉब्लम को मैं बताता रहता हूँ। अब मान लो जो वीडियो पसंद आएगी जिस काम के लिए वीडियो वो तो लाइक करेगा ही करेगा, लेकिन जो अब जिसका मन नहीं है डिसलाइक करने का उसके तो कोई रोक नहीं सकता, आप डिसलाइक बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर कोई बताने का तरीका या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह गाइड कर सके, कुछ बातें बता सके हैं यूट्यूब से बारे में, या फिर टेक रिलेटेड कोई बात हो या फिर मनोरंजन रिलेटेड कोई चीज़ें हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनेगा हर एक यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। दोस्तों आप हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी मेरे हिसाब से फायदे हैं, आप हमारे वीडियो को पहले भी जाके देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो हेल्पफुल साबित होती है। जो लोग मेरे से सीधा कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और हम उनसे बात करते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम होती है हम फेस करते हैं और फिर हम भी बताते हैं कि भैया ऐसे करो, और हम मतलब देखिए सीखने और सिखाने से बात बनती है, अगर आप हमें सिखाते हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है मैं भी कुछ आपको ज़्यादा कुछ जानकारी हो तो मैं आपको बता दूँ, तो एक देख से दूसरों की हेल्प होती है, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं मैं दूसरों से क्यों बात करूँ, अपन को ये नहीं सोचना है, ठीक है। हमें हेल्प करने की कोशिश करनी ज़्यादा लोगों की, जिससे वो मतलब हेल्प हो सके हर इंसान की, जो इंसान कन्फ्यूजन में चल रहा है उसकी ज़्यादा कन्फ्यूजन को दूर किया सके, क्योंकि जो अभी के समय में जो लोग कन्फ्यूजन में चलते हैं यूट्यूब के प्रति काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करने के लिए कोई पर्सनल बंदा आपका नहीं आता है, मेरा तो यही मानना है, कोई भी बंदा आपको पर्सनल रूप से कभी हेल्प नहीं करेगा कि भैया ये जो कन्फ्यूजन है मैं आपको दूर करूँगा। बट आपको मैं देखा जाए तो अच्छी बात है कि मैं आप इसमें नंबर देता हूँ, आप हमसे कॉल करके बात कर लीजिएगा, कॉल पे मतलब बात तो कर सकते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन आप एक बार खुद सोच सकते हैं कि मतलब मैं कॉल तो हर इंसान को उठाता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, बट कभी कभी मतलब मान लीजिए अगर बिजी रह गया तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कॉल करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर व्हाट्सएप पे बात हो जाती है पहले ना कि हाँ भाई कॉल करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक बार व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, बाकी तो अच्छी बात है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।